सांसद गुरजीत सिंह औजला अते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन दिनेश बस्सी ने अपने अधिकारियों दे नाल अमृतसर दे विकास कार्यां नूं लैके एक बैठक कीती। इस बैठक दे विच अमृतसर दे वल्ला ब्रिज, जोड़ा फाटक अंडरपास ब्रिज अते इस तों इलावा होर कई विकास कार्यां दी रफ्तार नूं लैके चर्चा कीती गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दे मुख मंत्री नूं लिखे पत्र नूं लैके सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि हल्के ईस्ट दे विकास दे कार्य काफी तेजी नाल चल रहे ने। वल्ला ब्रिज अते जोड़ा फाटक अंडरपास ब्रिज भी इस इलाके विच ही आउंदे हन। होर इस बारे गुरजीत सिंह औजला दा की कहना रहा, आओ तुसी भी सुनो। इस हल्के च काम नहीं हो रहे, एज एमपी तुसी की कहना चाहोगे कि कितना की काम हो रहा है? देखो ये गल मैं चेयरमैन साहब ना भी जो गल मैनू पता लगी इन्हां ना भी कीती, और पहलों भी मैं इन्हां नाल काफ़ी गल की। काफ़ी ज़्यादा पैसा जिहड़ा है ट्रस्ट वल्लों ईस्ट हल्के चलाया जा रहा है। मैं इन्हां नूं कहा कि तुसीं सारे शहर का ख्याल रखो, क्योंकि जिहड़ा एज ए मैंबर पार्लीमेंट मैनू सारे हल्कों का देखना पैंदा कि बराबर जिहड़ा बैलेंस काम चले। पर इन्हां ने कहा कि उत्थे बहुत मंदी हालत है, इस करके असीं उत्थे काम करना ज़्यादा जरूरी है। सो इन्हां ने कहा कि जिहड़ा भी कौंसलर आया असीं उहदी भी मदद करते हैं, हर एक की मदद करते हैं। हो सकता सिद्धू साहब तक ये गल ना कन्वे हुई होए। बाकी जिहड़े पुल आ, जौड़ा फाटक का पुल है जां जिहड़ा वल्ले वाला पुल है, वह भी ईस्ट हल्के का। हुण जौड़े फाटक के पुल का भी 24 करोड़ रुपया जिहड़ा उहनूं जमा कराता है, हुण असीं दिल्ली जा रहे हैं उहदा मतलब छेती टेंडरिंग करन दा उहनूं परस्यू कर रहे हैं। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा दक्षणी हल्के च पैंदा है साबे बनना है तरन तारण रोड ते, वह भी पास तकरीबन हो गया, वह भी थोड़ा जहा कम रह गया, वह भी असी मैं कल जा रहा दिल्ली उन्होंने भी प्रस्यूव करके उन्होंने भी खत्म करने की कोशिश करनी। सो सिद्धू साहब होता कि ना कि कोई गल कोई कम्युनीकेशन गैप रह गया हो, पर मैं उन्होंने कहा मैं तुम हर मीटिंग का हर गल का स्नेहा उन्होंने जरूर भेजा करो। उन्होंने हल्के का काम उन्होंने पता होना चाहिए किहड़ा काम हो रहा किहड़ा नहीं हो रहा, ताकि वह जवाब देने उतों चुने हुए नुमाइंदे ने। कम्युनिकेशन गैप खत्म किया जाएगा जी? नहीं, पर इन्होंने मैंने कहा कि मैं हर वारी मीटिंग का भी उन्होंने दसदा या मैं हर वारी मेल का भी दसदा। चलो हूँ मैं सिद्धू साहब ना गल हुंदी है तो उन्होंने पूछ के दस सकते हैं भी क्यों गल हुई है। बाकी कोशिश जी जो इन्हों वालों या कारपोरेशन वालों असी डाटे पूछे है जो काम पूछे है तो उन्होंने कहा भी कोशिश करके जिन्ना भी काम होंगे वनडे आता खासकर चौहान कौंसी पंजा कौंसी एजेंसियां जो कैप्टन साहब के निर्देश ने उन्होंने मुताबिक असी बराबर कराने की कोशिश सारे ईस्ट हल्के च हो चाहे किसी भी होसी बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी दिनेश जी, अज इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की मीटिंग MP साहब के नाल हुई है, किस मुद्दे च हुई, कि डिवेलपमेंट कर रहे हैं? अज MP साहब का हुक्म होया सी, इन्हां ने जिहड़े पुल बन रहे आ उहदी रिव्यू मीटिंग की, जिन्ने भी साडे डिवेलपमेंट के काम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर शहर में कर रही है सारिया का इन्होंने रिव्यू मीटिंग लीती। जिदा जो जो सानू प्रॉब्लम्स आंदियां सी असीं इन्हां नूं जानू कराते रहे, और कुछ जिदा डंप की प्रॉब्लम करके एक वल्ले वाले पुल च प्रॉब्लम आई सी, वह अज उन्होंने मीटिंग करके आए, और असी एक दो दिन के दिल्ली जा रहे हैं। तो वो दिल्ली वाले जिहड़े जोड़ा फाटक वाला भी वह भी टेंडर लगन लगा, तो जो कोई भी प्रॉब्लम्स है असी इन्हों दसियाँ उन्होंने जल्दी तो जल्दी हल करा रहे हैं। ट्रस्ट वालों अमृतसर से जो लेटेस्ट किन्ने टेंडर लग चुके हैं, कितने हल्के वास्ते किन्ने टेंडर लग चुके? असी लगभग ईस्ट के 7-8 करोड़ के लगे, 20 करोड़ के ईस्ट लगे है, वैसट के 7-8 करोड़ के है, 10 करोड़ के आस पास साउथ के है, उस तो अलावा नॉर्थ के काम चल रहे। हम दोबारा अभी जी मीटिंग कर रहे हैं वो नॉर्थ के होर 5 करोड़ के काम कर रहे हैं। कोई भी हल्का ऐसा नहीं, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लगे, किसी भी हल्के जो भी सानू कोई कौंसलर साहिबान MLA साहिबान या कोई साढ़े ब्लॉक प्रधान या MP सब कुछ लिखते हैं, तो वो असी उस वेले हाउस की मीटिंग से पा के मंत्री साहब को पास करा के टेंडर लगाई जा रहे हैं। डिवेलपमेंट का कितने भी कोई ऐसा काम नहीं कि डिवेलपमेंट रुके जा रहे हैं। सब तो व्डा इशू से जरा MP साहब ने अपने इलेक्शन के वादा किया माल मंडी तो 100 फुटी रोड के नाले का, वो भी अज टेंडर में कल मैच्योर हो जाना, वो भी टेंडर खोल के और वो भी जल्द काम शुरू करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी थी। फोकल पॉइंट तो लैके जो सीवरेज वगैरह का जाम होता से जिस दिन नाला ढकया जाएगा पाइपा पै जानी तो वो एक समस्या बहुत वड्डी हल हो जाएगी। एक सिविल एरिया वास्ते भी स्पोर्ट्स की गल चल रही है, की है केड़ा वाला स्पोर्ट्स कंपलेक्स जिहड़े वो है साडा कोर्ट केस चल रहा वा, असी उस तो अलावा भी MP साहब जिदा हुक्म करनगे असी सारे रिव्यू मीटिंग सारे MLA साहब नाल करके फाइनल करांगे जी। प्राइम उदे लई अमृतसर तों हरजीत सिंह गरेवाल दी रिपोर्ट।